तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अपडेट मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका हूँ। दूरदर्शन का डीडी मेट्रो चैनल, जी हाँ, दूरदर्शन का डीडी मेट्रो चैनल जो है वापसी करने जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को मिल ही चुकी होगी मैं चैनल के द्वारा। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम, किस तरह का कॉन्टेंट, किस तरह के सीरियल यहाँ पर देखने को मिलते होंगे। जो भी वही डीडी मेट्रो चैनल देखता होगा उसको शायद आज भी याद होंगे कि किस तरह के सीरियल जो है वहाँ पर देखने को मिलते थे, और बहुत बड़े बड़े प्राइवेट चैनल्स को इसने टक्कर दी हुई थी। कोई भी प्राइवेट का चैनल इस चैनल के सामने नहीं टिक पाता था, भी इस तरह का चैनल था और इस तरह के शोज़ यहाँ पर देखने को मिलते थे। पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, भाई डीडी मेट्रो पर आखिरकार ये इतने सीरियल क्यों देखने को मिलते थे। अगर दूरदर्शन चाहता तो वही सीरियल अभी भी डीडी नेशनल चैनल पर या डीडी रेट्रो पर या डीडी अरुण प्रभा या डीडी भारती, कोई भी इनके चैनल हैं वहाँ पर दिखा सकते थे। लेकिन किसी और चैनल पर क्यों देखने को नहीं मिले हैं? सिर्फ डीडी मेट्रो ही चैनल ही ऐसा क्यों था कि जो सीरियल्स के नाम मैं अभी बताऊँगा वो सीरियल सिर्फ डीडी मेट्रो देखने को मिले? देखिए भाई, नाइन गोल्ड नाम का मीडिया नेटवर्क हुआ करता था, भाई नाइन गोल्ड मीडिया नेटवर्क के नाम से हुआ करता था, उसका टाई अप हुआ था भाई मैं डीडी मेट्रो चैनल के साथ। दूरदर्शन का जो डीडी टू है डीडी मेट्रो के चैनल के साथ उसने अपना टाई अप कर लिया था, और जो भी ये सीरियल्स थे जिनके अभी मैं नाम बताऊंगा वो नाइन गोल्ड मीडिया नेटवर्क के हुआ करते थे। जी हाँ, नाइन गोल्ड मीडिया नेटवर्क के हुआ करते थे, और ये चैनल जो है 2003 में शट डाउन कर दिया गया था, और उसके बाद इसको डीडी न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नाइन गोल्ड मीडिया नेटवर्क का क्या हुआ ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नाइन गोल्ड मीडिया ने डीडी मेट्रो के साथ टाई अप किया हुआ था, तो 2003 में शट डाउन होने के बाद जो नाइन गोल्ड मीडिया था उसको उसका टाई अप हो चुका था स्टार प्लस चैनल के साथ। जी हाँ, स्टार प्लस के साथ उसने इसके बाद टाई अप कर लिया था। तो मतलब जो सीरियल्स डीडी मेट्रो चैनल पर देखने को मिलते थे वो सभी के सभी चैनल स्टार प्लस चैनल पर चले गए थे। तो मतलब एक इतना धमाकेदार चैनल हुआ करता था, और स्टार प्लस चैनल को भी काफ़ी इसने हाई टीआरपी हासिल करवा दी थी भाई स्टार प्लस चैनल को भी इस नाइन गोल्ड मीडिया नेटवर्क के सीरियल्स ने। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ उन सीरियल्स को लेकर जो आपको उस टाइम देखने को मिलते थे, जो कि बहुत अच्छे थे और हर कोई देखना पसंद करता था। सबसे पहले भाई कुंडली, जी हाँ कुंडली शो भी आप लोगों को दिखाया जाता था यहाँ पर, जैसे कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक कॉमेडी शो सामने वाली खिड़की, जी हाँ, और मेरी मिसेज चंचला, ये दो कॉमेडी शो भी यहाँ पर। वैसे और भी बहुत से शो हैं, लेकिन कुछ एक शोज़ के नाम जो मुझे मिले हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा नरगिस एक ड्रामा शो हुआ करता था, है ना, और मान ये भी भाई बड़ा अच्छा सीरियल था। मान एक करेक्टर था वहाँ पर, उसका जो है स्टोरी शो के अंदर दिखाई गई थी। उसके बाद कुंती, ये भी भाई बहुत से लोगों को याद होगा कुंती शो, ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला शो था डीडी मेट्रो चैनल पर। कभी सौतन कभी सहेली, ये भी वही सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो था डीडी मेट्रो चैनल पर। उसके बाद स्टार प्लस पर भी लोगों ने इस शो को देखा होगा। दुश्मन, ये भी बड़ा देखा गया भाई शो है भाई डीडी मेट्रो पर। और जन्नत, ये भी बड़ा अच्छा शो था भाई, ड्रामा शोज रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा शो दिखाया गया था डीडी मेट्रो चैनल पर। बाकी बाद में इसको स्टार प्लस पर भी दिखाया गया है। उसके बाद एक कॉमेडी शो है ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, और हरे कांच की चूड़ियाँ, ये कुछ शोज़ होते थे मतलब एक या दो एपिसोड्स के, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलते थे। हरे कांच की चूड़ियाँ भी काफ़ी बार डीडी मेट्रो पर दिखाया गया है। और एक होता था भाई लाइक जैसे कि सिंगिंग शो सुपरस्टार के नाम से आपको दिखाया जाता था, जैसे कि अभी आपको पेड चैनल्स पर जी टी वी पर या इंडियन आइडल हो गया उस तरह के शो देखने को मिलते, तो वैसे ही सुपरस्टार नाम का एक शोज़ भी देखने को मिलता था, है ना, तो ये भी डीडी मेट्रो चैनल पर दिखाया जाता था। और इसके साथ साथ कार्टून शोज़ भी भाई बहुत अच्छे आते थे डीडी मेट्रो चैनल पर, जिसमें दो फेमस शो मैं बताना चाहूँगा, डक टेल्स और टेलस्पिन। जी हाँ, ये भाई हमने भी देखे अपने टाइम में, डक टेल्स और टेलस्पिन, ये दोनों के दो बड़े अच्छे शो रहे हैं कार्टून्स एनिमेशन शो डीडी मेट्रो चैनल पर। और अब आप लोग बताएं जो शो नाम मैंने बताए हैं कि आप लोगों को याद है, या इससे भी अलग कुछ और शोज़ भी थे भाई, लाइक राजा ऑरेंज हो गया, इंस्पेक्टर हेलो हेलो इंस्पेक्टर हो गया, है ना, और भी बहुत शो थे। लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने कौन सा शो देखा है, कौन सा शो आपको पसंद था मेरे बताए गए सीरियल्स में, या कुछ आपके माइंड में अलग से हो सो वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। यही था इस वीडियो में, धन्यवाद।